अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ बिचूमैन इसका एस कोड है डी नाइन्टी टू सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं दिस टेस्ट मेथड डिटरमाइन द फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ बिचूमैन टू नो द सेफ मिक्सिंग एंड एप्लीकेशन टेम्परेचर वैल्यूज़ ये टेस्ट जो है हम करते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट जो है वो हम बिचूमेन का जो है सेफ़ मिक्स टेंपरेचर जो होता है जिस पे हम इसको मिक्स uh, करते हैं टेम्परेचर पे वो टेंपरेचर कितना सेफ है हमारा वो मालूम करने के लिए जो है हम ये टेस्ट को करते हैं इसका फ्लैश पॉइंट जो हमारा होता है फ्लैश पॉइंट ऑफ अ मटेरियल इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें जो है हमारा जो बिचुमेन जो है वो आँख को जो है वो पकड़ ले फ्लैश फॉर्म में फ्लैश फॉर्म में जो है आँख को पकड़ ले उस कम से कम टेम्परेचर में तो वो हमारा कहलाता है फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट हमारा जो है फायर पॉइंट ऑफ अ मटेरियल इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच कैच इज़ फायर एंड बर्न फॉर फाइव सेकेंड फायर पॉइंट हमारा वो है वो कम से कम टेम्परेचर है जिसमें जो है हमारा बिचूमैन जो है वो आँख को पकड़ ले कम से कम पाँच सेकंड के लिए तो ये टेस्ट किस तरीके से करते हैं कौन कौन से अप्रेटर्स इसमें यूज़ होता है वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले हम इसके ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं इसमें हमें ये ब्रास टेस्ट कप दिया हुआ होता है जिसमें हमारा बिचूमैन होता है ये इसका हैंडल है ये कप है और जो है फ्लेम टेस्ट एप्लीकेटर इसमें से जो है एफ आग निकलती है जो वो बिचूमैन पे अटैक करती है और जो है टेम्परेचर गेज जिसे हम मोनीटर करेंगे कितना टेम्परेचर पे जो है हमारा इसमें फ्लैश और फायर पॉइंट आ रहा है इस पूरे अप्रेटस को हम जो कहते हैं क्लेवलैंड कहते हैं तो हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं हीट द बिचूमैन अबव सॉफ्टिंग पॉइंट और हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड आपने बिचूमैन को जो है गर्म करना है उसको जो है सॉफ्टिंग पॉइंट जो आपका होगा उस टेपरेचर तक या हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने इसको गर्म कर लेना ताकि फ्लूड कंडीशन में आ जाए फिल द कप विद बिचुमेन अप टू फिलिंग मार्क प्रोवाइडिंग ऑन द कप फिर आपने जो आपके पास कप है इसमें बिचुमेन को फिल करना है ये जो मार्क आपको कप पे दिया हुआ है उस वहाँ तक आपने जो है इसको फिल करना है बिच्यूमेन को पोजीशन द टेस्ट कप ऑन द सेंटर ऑफ द हीटिंग प्लेट एंड इंसर्ट द थर्मामीटर फिर आपने जो है इसको हीटिंग प्लेट में रख देना है इस तरीके से और जो है थर्मामीटर जो है इसमें इंसर्ट कर देना है लाइट द टेस्ट फ्लेम एंड एडजस्ट इट टू अ डायमीटर ऑफ 3.2 टू 4.8 फोर पॉइंट एट फिर आपने जो आपका टेस्ट फ्लेम है इसका डायमीटर को एडजस्ट करना है थ्री से फोर पॉइंट एट एम एम तक जो है आपका इसका डाई होना चाहिए अप्लाई हीट इनिशियली एट सच आ रेट फाइव टू सेवनटीन डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट इनिशियली हीट जो आपने अप्लाई करनी है या हीट प्लेट से जो आप इनिशियली अप्लाई करेंगे वो आपका होना चाहिए उसका रेट फाइव टू सेवनटीन डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट यानी कि एक मिनट में पाँच से सत्रह डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर वो बढ़े ये इनिशियली आपने रेट देना है when the test स्पेसिमेंट टेम्परेचर इज approximately 56 degree डिग्री सेंटीग्रेड बिलो expected एक्सपेक्टेड फ्लैश पॉइंट जब आपका एक्सपेक्टेड फ्लैश पॉइंट से 56 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो होगा आपका बीच का इनका टेम्परेचर जैसे कि एक्सपेक्टेड हमारा 200 टू तो 235 तक होता है तो 200 से 56 बिलो होगा यानी कि वन डिग्री सेंटीग्रेड जब आपको थर्मामीटर में शो करेगा तो जब आपने जो है इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना है और उसका रेट कर देना फ़ाइव टू सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट उसके बाद आपने अप्लाई द टेस्ट फ्लेम टेस्ट फ्लेम अप्लाई करना है आपने कब जब आपका टेम्परेचर हो जाएगा ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द एक्सपेक्टेड फ्लैश पॉइंट यानी कि टू हंड्रेड से ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड बिलो होगा तो वन सेवेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आपका होगा यानी कि ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड बिलो होना चाहिए तो उस पर जो है आप जो है या टेस्ट फ्लेम अप्लाई करेंगे टेस्टिंग द स्पेसिमेन एवरी टू डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर उसके बाद से जो है अब हर दो डिग्री सेंटीग्रेड जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपने हर दो डिग्री सेंटीग्रेड के इंटरवल से जो है टेस्ट फ्लेम अप्लाई करना है इस तरीके से इसको टेस्ट फ्लेम को अप्लाई करना है हर दो डिग्री से सेंटीग्रेड के बाद ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट फ्लेम सिटरिंग शुड बी स्टॉप यानी कि जब आप टेस्ट फ्लेम अप, अप, अप्लाई कर रहे होंगे तो उस टाइम जो है किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस और हलचल वगैरह नहीं होनी चाहिए बहुत केयरफुली जो है आपने इसको अप्लाई करना होगा वैन आ फॉम प्रिस ऑन द टॉप ऑफ द स्पेसिमेंट ड्यूरिंग द लास्ट ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड टर्मिनेट द टेस्ट जब आपका ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड ब्लो होगा एक्सपेक्टेड से उस दौरान आपकी अगर सरफेस पर जो है फॉर्म आती है तो ये टेस्ट आपका जो है टर्मिनेट हो जाएगा रिकॉर्ड द रीडिंग ऑन टेम्परेचर डिवाइस जब आप इस पर क्या ना, अप्लाई करेंगे टेस्ट फ्लेम तो इसमें जो है जब ये फ्लैश फॉर्म में आ जाएगा आपका बीचूमिन जो है आपको फ्लैश फॉर्म में पकड़ेगा तो उस दौरान जो आपका टेम्परेचर होगा वो आपने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है जैसे कि 220 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज़ हमारा उस पर आ गया तो यही हमारा जो है टेम्परेचर क्या लाएगा फ्लैश पॉइंट इस बिचमिन का कंटिन्यू हीटिंग द टेस्ट स्पेसिमेन एट अ रेट फाइव टू सिक्स डिग्री पर मिनट फिर आपने कंटिन्यू हीटिंग करनी है क्योंकि फाइव पॉइंट भी इसका जो है वो हमने चेक करना है तो वो रेट वही रहेगा उसका और हीटिंग कंटिन्यू रहेगी कंटिन्यू द एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट फ्लेम टू डिग्री सेंटीग्रेड इंटरवल फिर उसी तरीके से आपने हर दो से इंटीग्रेड इंक्रीज़ होने के बाद टेम्परेचर जो है आपने टेस्ट फ्लेम जो है उससे चेक करना है ये आँख को पकड़ लेगा फाइव मिनिमम फाइव सेकेंड्स तक के लिए कि तो उस टाइम जो आपका टेम्परेचर होगा बीच में इनका जो आपको थर्मामीटर में दिखा रहा होगा वो आपका कहलाएगा फायर पॉइंट तो हमने जो है वो फायर पॉइंट को भी जो है रिकॉर्ड कर लेना है टू थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड उसके बाद हमारे इसके जो ऑब्जर्वेशन है इसके हमने करने तीन ट्रायल करने हैं और तीनों के फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जो है उसका एवरेज लेना है और इसका जो है हमारा इनका जो डिफरेंस होगा वो इनके बिटवीन सक्सेसिव रिजल्ट जो होगा हमारा फ्लैश पॉइंट एट डिग्री सेंटीग्रेड तक और जो है फायर पॉइंट भी एट डिग्री सेंटीग्रेड तक मतलब आपने फर्स्ट जो है ट्रायल किया उसमें टू ट्वेंटी है तो इसमें आपका टू ट्वेंट नहीं होना चाहिए या टू 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 हंड्रेड ट्वेल्व से कम नहीं होना चाहिए आठ डिग्री सेंटीग्रेड का जो है डिफरेंस रहेगा आपका दोनों में फ़्लैश और फायर पॉइंट में सो so गाइज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग